मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग मध्य प्रदेश में टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अनूठे प्रयास करता रहता है। इस बार मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने दो बड़े फेस्टिवल्स का आयोजन किया है जो गांधी सागर डैम और कूनो में संपन्न होंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग देश और प्रदेश के पर्यटकों के लिए आने वाले दिनों में दो नए बड़े फेस्टिवल्स का आयोजन करने जा रहा है। पहला 27 अक्टूबर से गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा, तो वहीं 1 दिसंबर से पहली बार कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आयोजन शुरू हो जाएगा। फेस्टिवल्स में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और रोमांचक गतिविधियों का अनुभव भी मिलेगा। यह टेंट सिटी बनाई जा रही है जहां लोग ठहर सकेंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रचारित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी करा रही है। उस सब के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण के संदेश का प्रचार प्रसार होगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला और मुख्य वन्य जीव वार्डन असीम श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन मंदसौर के नजदीक गांधी सागर के शांत बैकवाटर पर होगा, जबकि श्योपुर में आगामी 1 दिसंबर से शुरू हो रहा कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल आपको एक रोमांचक यात्रा पर लेकर जाएगा। करीब 72 सालों के बाद भारत में फिर से चीतों के आगमन के बाद यह फेस्टिवल कूनो नेशनल पार्क के माध्यम से जंगलों की खूबसूरती का बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा। इस वर्ष इसका 30 संस्करण 27 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और ये लगातार चलेगा। ये बहुत ही संवेदनशील भी है मामला, और चूंकि वो हमारे चीते जो दूर से आए हमारे मेहमान हैं, उन्हें नई परिस्थितियों में सैनिटाइज होना और सुरक्षित रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। उसके रहते हुए भी ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि कूनो के आसपास पर्यटकों के रुकने के लिए बहुत अच्छे स्थान नहीं है। उस कमी को पूरा करने के लिए कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट करके एक टेंट सिटी, बहुत ही अच्छा टेंट सिटी जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी, उसे हम स्टैब्लिश कर रहे हैं और 1 दिसंबर से कूनो में यह टेंट सिटी और कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल ये दोनों चीजों का आगाज होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।